क्या आप भी अपने WhatsApp की डिलीट की हुई सारी चैट्स को रिकवर करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि आप अपने WhatsApp की डिलीट की हुई सारी चैट्स को कैसे रिकवर कर सकते हैं? तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे डिजिटल प्रभाव यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हमने WhatsApp पे हैं और यहाँ पर देखिए हम अपने WhatsApp को ओपन करते हैं और यहाँ हम आपको बताएंगे कि अभी हम आपके सामने लाइव सारी चैट्स को डिलीट करेंगे और फिर उसे रिकवर करके भी हम आपको दिखाएंगे। आप इसे कैसे कर सकते हैं, चलिए यहाँ पर देखिए कोई भी एक मैं चैट सेशन को ओपन कर हूं। और यहां पर देखिए इस तरीके से आपको कुछ इमेज फोटोज देखने को मिल रही हैं, यहां पर फोटोज वीडियोस देखने को मिल रही हैं। इसके बाद यहां पर ऊपर देख सकते हैं इस तरीके से कुछ चैट है, यहां पर कुछ सारी इंपोर्टेंट वीडियो है। इन सभी को मैं यहां पर देखिए ये वॉइस रिकॉर्डिंग भी है, तो आप जो भी अपने अकॉर्डिंग चैट करते हैं वो देखिए सब कुछ यहां पर हो जाएगा। और ये देखिए 7, 6 और 15 सेकंड की, तो इन सभी को मैं एक साथ डिलीट करता हूं और फिर मैं आपको यहां पर इन्हें रिकवर करके भी दिखाता हूं। चाहे तो इसे आप एक एक करके भी डिलीट कर सकते हैं। और यहां पर देखिए आपको एक क्वेश्चन मिलता है क्लियर चैट का, सिंपली यहां पर क्लियर चैट पर क्लिक कर देंगे तो ये सभी भी यहां से एक साथ देखिए डिलीट हो जाएंगे। अभी यहां देखिए पूरा क्लियर हो चुका है। क्लियर होने के साथ साथ यहां पर देखिए ये सारी नीचे चैट भी हैं, इनको भी मैं आपको डिलीट करके दिखा देता हूं ताकि आपको पूरा भरोसा हो हम पर। देखिए धीरे डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहां पर नीचे देख सकते हैं एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, हम सिंपली यहां पर जाते हैं। फिर इसके बाद नीचे आते हैं और यहां पर देखिए चैट का ऑप्शन मिलेगा, देन यहां पर आएंगे और सबसे नीचे देखिए चैट हिस्ट्री मिलेगी, यहां पर क्लिक करेंगे और देन देखिए यहां पर लिखा हुआ है क्लियर ऑल चैट्स और डिलीट ऑल चैट्स। तो आप अपने हिसाब से यहां चेक कर सकते हैं कि सभी के क्लियर्स करना है तो यहां से क्लिक करके सभी को आप क्लियर कर देंगे तो जो चैट सेक्शन बाहर से होंगे वहां से उनके अंदर की जितनी भी सभी की चैट होगी वो भी डिलीट हो जाएगी। चलिए एग्जांपल में यहां देखिए ये प्रोसेस हो रहा है और इसे डिलीट होने देते हैं। तो यहां से देखिए हो चुका। चलिए हम यहां से बैक आते हैं और बैक आने के बाद अब हम आपको दिखाते हैं। देखिए सारी चैट्स तो हैं लेकिन इनके अंदर आप किसी को भी ओपन करेंगे तो इनके अंदर कोई भी चैट नहीं बची हुई है। आप देख सकते हैं ये सिर्फ बाहर से जो कॉन्टैक्ट हमारे हैं यहाँ पर देखिए देखने को मिल रहे हैं लेकिन इनके अंदर कोई भी चैट नहीं है। चाहे तो आप इन्हें यहाँ से बाहर से भी अगर आप डिलीट कर देते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए यहाँ पर से मैं इन्हें बाहर से भी डिलीट कर देता हूँ इस तरीके से और ये भी सब कुछ वापस आ जाएगा। तो कैसे आएगा वो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने व्हाट्सअप के ऊपर प्रेस करके आपको रखना है, फिर जाएंगे नीचे ऐप इन्फो पर क्लिक करेंगे और ऐप इन्फो पर क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लॉगआउट कर लेते हैं, स्टोरेज यूजर्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए आपको क्लियर डाटा करने का ऑप्शन आएगा, क्लियर डाटा करके ओके कर देंगे। यहाँ से ओके कर देंगे और यहाँ से आप बैक आ जाएंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर बैक आ जाना है और इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको एक फोर्स स्टॉप का ऑप्शन मिलेगा, आप फोर्स स्टॉप भी आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे और इसके बाद यहाँ से इसे हटा देंगे। तो चलिए इसे मैं इसे स्किप कर देता हूँ। अब चलिए आप बात करते हैं इसे सबको रिकवर कैसे करना है। तो देखिए रिकवर करने के लिए सबसे पहले अपने व्हाट्सअप को हम ओपन करेंगे और जैसे अपने WhatsApp को आप ओपन करेंगे तो इसकी मेन ट्रिक में इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, पहले मैं आपको रिकवर करके तरीका बता दूं। देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको क्लिक करना है, देखिए एंड टू कंटिन्यू को एग्री टू कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, जो भाई अपना मोबाइल नंबर था अपना वही मोबाइल नंबर डालेंगे जिस पे आपने चैट को डिलीट किया था। देन नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, फिर आप ओके पर क्लिक करेंगे और इसके बाद देखिए कंटिन्यू कॉल पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहां पर देखिए अलाउ परमिशन दे देनी है और ऑटोमेटिक कॉल आएगा और वेरीफाई कर लेगा, या चाहे तो आप SMS के भी जरिए कर सकते हैं तो नीचे SMS का भी ऑप्शन मिल जाएगा तो वहां से भी कर सकते हैं। और ये देखिए यहां पर वेरीफाइड जो कंप्लीट हो चुका है, अब यहां पर देखिए आपको कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा और अलाउ कर देनी है, फिर से अलाउ कर देना है। अब यहां पर मेन बात बची है कि यहां पर देखिए जो आपका नाम होगा वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा और यहां पर देखिए लुकिंग फॉर बैकअप, यहाँ पर देख सकते हैं लुकिंग फॉर बैकअप का आपको ऑप्शन मिलेगा। अब ये इंपॉर्टेंट सेटिंग है, यहाँ पर आपको जरा सा भी मतलब स्किप करके देखना नहीं, बहुत ध्यान से समझना है। देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे और बैकअप फाउंड लिखा होगा, यहाँ पर देख सकते हैं साइज 32 MB और 6 मिनट आ गए। और यहाँ पर देखिए स्किप करने का भी ऑप्शन आता है, यहाँ से आप स्किप भी कर देंगे तो आप रिकवर नहीं कर पाएंगे, आपको यहाँ पर रिस्टोर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए ये रिस्टोरिंग मैसेज हो रहा है, यहाँ देखिए परसेंटेज चल रहे हैं, आप देख सकते हैं 45%, 100% पूरा यहाँ पर रिकवर हो चुका है। और यहाँ देखिए लिखा हुआ है 7147 मैसेज रिस्टोरेड, यूअर मीडिया विल रिस्टोरेड द बैकग्राउंड। सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे, देन इसके बाद रिस्टोर ना पर ओके पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपका जो नाम होगा ऑटोमेटिक डिलीट कर लेगा, वरना आप अपना नाम डालेंगे, फोटो यहाँ से सेट कर लेंगे, देन नेक्स्ट का ऑप्शन क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद देखिए जो आपका जो WhatsApp है यहाँ पर इंस्टॉल हो, जो ID है आपने बनाई थी WhatsApp ID वो यहाँ पर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। देखिए इंस्टॉल होने के बाद देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर देखिए सभी के अंदर की मैंने देखिए फोटो जो चैट थी वो मैंने आपके सामने डिलीट की थी, सभी की चैट यहाँ पर वापस आ चुकी है। देखिए सभी की चैट
आ चुकी है। और यहाँ पर देखिए मैं एग्जांपल पे मैं इस पर ही क्लिक करता हूँ अपने पर, तो ये देखिए जो फोटोज़ मैंने डिलीट की थी, देखिए ये फोटोज़ फिर से डाउनलोड करने के, देखिए वीडियो डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रहा है, ये देखिए फोटोज वीडियोज़ आपको फिर से डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से देख सकते पूरी चैट, ये देखिए इसे भी यहाँ पर देखिए आप, और यहाँ पर मैंने आपको वॉइस रिकॉर्डिंग भी यहाँ पर देखिए बताया था कि ये 10 कितने सेकेंड की वो जी यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए देखिए 7 सेकेंड की है, 6 सेकेंड की है, 15 सेकेंड की, मतलब सब कुछ मेरा वापस आ चुका है। और ये देखिए एक ऑप्शन मिला है रियल स्टोरी मीडिया पोस्ट का, सिंपली आप इसे पर क्लिक करके यहाँ से इसे फिर से इसे रिज्यूम कर सकते हैं और सारा डाटा फिर से और भी जो एक सब कुछ है बहुत अच्छे से यहाँ पर रिकवर कर सकते हैं। ये सेटिंग कैसे करनी है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये आप कैसे कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने मोबाइल में 3 डॉट के ऑप्शन पर जाना है और देन सेटिंग के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। और जैसे सेटिंग के ऑप्शन पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो नीचे देखिए एक चैट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। फिर सबसे नीचे आएंगे यहाँ पर देखिए चैट बैकअप का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये देखिए यहाँ पर बैकअप जो इसका है वो हो रहा है। और ये एक